हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट मुद्दा टॉपिक लेके आया हूँ जिसके बारे में आज हमें जानना है। उसका नाम है RS-232। भाई साहब ये कौन सा ऐसा टॉपिक है? अल्फाबेट नंबर सब कुछ मिक्स्ड है, ये है क्या आखिर? इसको समझते हैं, इससे जुड़े हर एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर इसमें चल क्या रहा है, हर एक चीज़ को, हर एक बेसिक TRP फीचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। आपके हर एक सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा रिलेटेड टू 232। ये सब कुछ बड़े आसान भाषा में आपका कम से कम समय लेते हुए अपनी तरफ से ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में रहने वाली। तो भाई सबसे पहले आ जाते हैं और समझ लेते हैं RS-232 है क्या। सिंपली फुल फॉर्म से भी अगर शुरू करें तो ये रेकमेंडेड स्टैंडर्ड है। RS मतलब क्या? इट इज अ रेकमेंडेड स्टैंडर्ड 232, दैट इज वॉट इट इज। तो ये एक सिंपल सा स्टैंडर्ड है जिसको डेवलप किया गया था। इट वॉज बेसिकली डेवलप्ड बाय EIA, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसे EIA बोलते हैं। तो EIA हैज डेवलप दिस स्टैंडर्ड RS-232। ओके, अब ये जो है ये बड़ा पुराना सा है। ओके, अपने ज़माने में ये बहुत चला था, बहुत वाइडली पॉपुलर हुआ था, बहुत लोगों ने इसे यूज़ किया था, और यही इसका परिणाम है कि अभी भी बहुत सारे अपने एप्लीकेशन फील्ड्स जो हैं उसमें RS-232 का इस्तेमाल किया जाता है। और यही वो कारण है कि आज भी हम RS-232 को पढ़ रहे हैं। ओके, तो अब बेसिकली इसका नाम से काम समझ नहीं आ रहा है। नाम कुछ अलग बोल रहा है, काम कुछ अलग है। ओके, नाम से इसका काम समझ नहीं आ रहा। काम क्या है? एक बेसिकली सीरियल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करना, दैट्स इट। इतना आसान काम है, सीरियल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करना। सीरियल कम्युनिकेशन मतलब क्या? सीरियल डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करना। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे जो भी आप डेटा सेंड करने वाले हो, मान लो यहाँ पे मेरा ये ट्रांसमीटर है, यहाँ पे रिसीवर है, तो ट्रांसमीटर से जब ये मेरा डेटा जाने वाला है रिसीवर तक, तो वो बिट बाय बिट जाएगा। कैसे जाएगा? वो बिट बाय बिट जाने वाला है। ओके, और इसका जो उल्टा होता है पैरेलल ट्रांसमिशन, मतलब क्या? पैरेलल ट्रांसमिशन मतलब यहां पे मेरा एक ट्रांसमीटर है, यहां पे रिसीवर है, यहां पे आपने लाइंस लगा दी हैं, करेक्ट, और एक एक लाइन पे आप क्या कर रहे हो, एक एक जो बिट है अपनी वो सेंड करते जा रहे हो। तो एक ही क्लॉक साइकिल में सारे का सारा जो आपका डेटा है वो पूरा का पूरा ट्रांसमिट हो रहा है पैरेलली। लेकिन ऐसा सीरियल में नहीं होता भाई साहब। सीरियल में क्या होता है? बिट बाय बिट जो है आपका जो डेटा है वो ट्रांसमिट किया जाता है फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। ये सिंपल सा फंडा है। दिस इज द सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल ट्रांसफर ऑफ डेटा विच इज सपोर्टेड बाय RS-232। ये उसका बेसिक नेचर है, बेसिक बिहेवियर है, इस तरीके से डेटा को ट्रांसफर करता है। और भी एक चीज़ है कि अभी जब मैं इन दोनों इक्विपमेंट्स की बात कर रहा था, दोनों साइड्स की, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर है उसकी बात कर रहा था, तो उसको थोड़ा और अच्छी तरीके से जान लेते हैं। कैसे? RS-232 इज यूज टू कनेक्ट DTE टू अ DCE। अब ये DTE क्या है, DCE क्या है? दीज आर सिंपली द टू इक्विपमेंट्स, ये आपके दो इक्विपमेंट्स हैं, उसको कनेक्ट करने की जो काम है आपका RS-232 कर रहा है, और उसके बीच में आपका सीरियल कम्युनिकेशन, सीरियल डेटा ट्रांसमिशन होने वाला है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। तो ये क्या है, DTE क्या है? सो बेसिकली इट इज डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। एग्जाम्पल जैसे कि आपका PC है, ओके, और ये जो है ये आपका डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, एग्जाम्पल मोडेम है इसका। तो अभी इन दोनों इक्विपमेंट को एक तरीके से कनेक्ट करना है। बात सही है, बात बराबर है। एक बार वो कनेक्ट हो गया तो आपको क्या करना है, इसके बीच में जो है एक तरीके से डेटा का ट्रांसमिशन आपको करना है। तो मान लो कभी ये मेरा ट्रांसमीटर होगा तो वो DCE तक अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा, कभी ये सोर्स होगा तो यहां से आपका डेटा जो है वो DTE तक पहुंचेगा इन दिस रिस्पेक्टिव फैशन। इसीलिए इसे बोला गया कि यहां पे सीरियल ट्रांसमिशन हो रहा है, सीरियल कम्युनिकेशन हो रहा है इन फुल डुप्लेक्स मैनर की। यहां पे जो डेटा है, कम्युनिकेशन जो है, ये दोनों तरफ से हो सकता है, इट इज बोथ वे पॉसिबल, ये कहने का मेरा मतलब है। अब जब डेटा चलो ट्रांसमिट हो रहा है तो उसके नेचर को भी जरा अच्छी तरीके से समझ लेते हैं कि डेटा आखिर ट्रांसमिट हो कैसे रहा है, क्या उसके साथ कुछ और बिट्स भी जोड़ी गई हैं। तो एक तरीके से वो पूरा फ्रेमवर्क हमें समझने की कोशिश करनी है अभी। तो ये है उसका बेसिक फ्रेमवर्क कि ये तो आपकी जो बिट्स हैं जिसे हम लोग 7 बिट्स या 8 बिट्स कंसिडर कर सकते हैं, 7 और 8 बिट्स जो होती हैं वो आपकी एक्चुअल डेटा बिट्स होती हैं। ये क्या होती हैं? आपकी एक्चुअल डेटा बिट्स होती हैं। ओके, और ये जो शुरुआत में हम लगा देते हैं, दिस इज नथिंग बट अ स्टार्ट बिट, ये आपका स्टार्ट बिट होता है जिसे इनिशियली हम कंसिडर करते हैं 0। ओके, तो ये मेरी क्या हो गई? स्टार्ट बिट हो गई, जो कि मेरे एक्चुअल डेटा बिट्स के आगे, यानी कि सबसे पहले लगती है। ओके, और इसके बाद की जो कहानी है वो 2 बिट्स की कहानी है, ये होता है पैरिटी बिट। ओके, दिस इज नथिंग बट द
पैरिटी बिट फॉर एरर चेकिंग पर्पस, और ये जो है आपका सिंपल सी स्टॉप बिट, मतलब हाँ अभी यहाँ पे जो ये रिस्पेक्टिव पैकेट है, ये डेटा का पैकेट फ्रेम जो भी कहना है कह लो, वो अभी यहाँ पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे आपकी स्टॉप बिट्स होती हैं, तो वो स्टॉप बिट्स आपकी एक बिट कंसिडर कर सकते हो या फिर आप दो बिट भी कंसिडर कर सकते हो एज योर स्टॉप बिट्स इन योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल। अब जैसे पैरिटी बिट को आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो वन कब है जीरो कब है, तो वन मैं तब करता हूँ इस बिट को जब मुझे ऑड नंबर ऑफ वंस जो है मेरे डेटा बिट में मुझे दिखाई देता है। दिस इज द वन काइंड ऑफ अ थिंग दैट यू कैन यूज फॉर असाइनिंग द पैरिटी बिट। ये एक ऐसा सिंपल सा लॉजिक है जो आप इसे यूज कर सकते हो, बाय विच पैरिटी बिट कैन बी डिसाइडेड। लॉजिक क्या है? लॉजिक सिंपल सा है कि ऑड पैरिटी जब आपको दिखेगी अपने डेटा बिट्स में, यानी कि नंबर ऑफ वंस, ये लॉजिक है, नंबर ऑफ वंस जब आपको ऑड दिखते हैं तो वो ऑड पैरिटी हो जाती है और आपका जो पैरिटी बिट है वो वन सेट हो जाता है, ठीक है। और जीरो कब होगा? जीरो तब होगा जब आपके डेटा बिट्स की पैरिटी इवन होगी, मतलब नंबर ऑफ वंस जो है डेटा बिट्स में वो इवन होंगे तो आपका जो बिट है वो जीरो हो जाएगा। तो जब ये पूरा का पूरा डेटा एक तरीके से इसी फैशन में आपके रिसीवर तक पहुंचेगा, तो वो क्या करेगा, एक तरीके से देखेगा स्टार्ट बिट, अच्छा यहां से डेटा शुरू हो रहा है, ओके, वो डेटा चेक करेगा, पैरिटी बिट चेक करेगा कि सेम है क्या, अगर सेम है मैच है तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम जैसा डेटा यहाँ से छोड़ा गया था वैसे ही डेटा रिसीवर तक पहुँचा है, और स्टॉप बिट इंडिकेट करता है कि हाँ अब यहाँ पे जो भी एक पूरा फ्रेम था या पैकेट था वो अभी यहाँ पे समाप्त होता है, अभी अगले की शुरुआत होती है, अगला का स्टार्ट बिट आपको देखना है, ओके। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे असिंक्रोनस नेचर आपको देखने को मिल जाएगा, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप बिट यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, दैट इज नॉट यूजिंग एनी क्लॉक, ओके। यहाँ पे असिंक्रोनस नेचर आपको देखने को मिल रहा है इन RS-232, सिंपल, ओके, बेसिक यहाँ तक समझ में आ गया। अब एक और चीज समझने की हम कोशिश करते हैं, वो चीज है फ्लो कंट्रोल, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे मेरा DTE है, ओके, दिस इज द DTE और ये मेरा DCE है, ये दो इक्विपमेंट्स है मेरे, ओके। अब यहाँ पे ये मेरा क्या है, ट्रांसमीटर है, मान लो यहाँ से डेटा यहाँ ट्रांसमिट होने वाला है, तो ये रिसीवर हो गया, बात सही है, तो अभी वो कैसे होगा, तो उसके पिंस अवेलेबल है, पिंस कौन कौन से, मेजर पिंस अगर मैं बताऊँ तो एक ग्राउंड है जिसे हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, ग्राउंड है, यहाँ पे एक TX है, दैट इज ट्रांसमिट, TV उसे कह सकते हैं, तो ये ट्रांसमीटर जो है इसके रिसीवर को कनेक्ट होगा, और इसका जो ट्रांसमीटर है, अगर ये मेरा सोर्स बनता है, ये अगर DCE मेरा, ये इक्विपमेंट अगर एक तरीके से सोर्स बन रहा है, ट्रांसमीटर बन रहा है, तो यहाँ से वो लाइन हम लोग यहाँ पे TX से RX पे जोड़ेंगे, बराबर।